व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज डे है 28 तारीख संडे, आज हमारा है ऑफ। हम निकले हैं एक छोटे से ओवरव्यू के लिए। ओवरव्यू मींस, मेरे को कईयों ने पूछा कि भाई आपने बाइक चला रहे हो, बुलेट चला रहे हो, पिछले एक साल डेढ़ साल से चला रहे हो ये वाली, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि बुलेट हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने उनको ओवरऑल जस्ट एक दो इन्फॉर्मेशन बताई, बाकी मैंने उनको कहा कि आपके लिए जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम उसी चीज़ के लिए है कि एक वीडियो बनाते हैं हम इसकी। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे, एक साल के बाद कैसी चलती है, एक साल के बाद बढ़िया मज़ा आता है या नहीं आता। ओवरव्यू एक बार अच्छे से करते हैं, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉन्स हैं और क्या कॉन्स हैं, दोनों चीज़ें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें करेंगे। क्योंकि देखो, हर बाइक का ऐसा तो है नहीं कि हर बाइक परफेक्ट है, हर बाइक का पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो रॉयल एनफील्ड एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जानी मानी बाइक है, तो इसके भी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव इसके भी हैं। कई कहते हैं कि इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट हैं। तो आज मैं आपको चलो दिखाता हूँ एक एक करके कि इसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के से, उसके बाद मैं बात करूँगा इसके नेगेटिव पॉइंट्स के साथ, फिर मैं बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाती है, राइट। सबसे पहले पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग है भाई, वाइब्रेशन है, लेकिन बाइक कहीं इसमें प्लास्टिक नहीं है, इस वजह से ये खड़कती नहीं है। जैसे आपने पल्सर यूज़ करते होगे, पल्सर बहुत जल्दी खड़कती है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आती। मैंने बाइक को साफ नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि गंदे में रिव्यू बनाऊं, और बाद में इसको अच्छे से वॉश भी करवाएंगे। ओवरऑल बाइक की साउंड एक क्लास है। आगे आएंगे तो इसके जो उनसे टायर्स हैं, टायर्स बहुत सीएट के टायर्स हैं। मेरे को कंपनी ने कहा था कि आप 13 से 14 हज़ार किलोमीटर बाद इसके टायर आप चेंज करवा लेना, बट मैं ऑलरेडी इसमें मोर देन 20,000 चला चुका हूँ और टायर की कंडीशन अभी भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो इसमें अच्छा पॉइंट है कि इसका जो ये चीज़ है कि काफ़ी बिल्ड क्वालिटी, हैवी क्वालिटी में लगता है, तो चलाने का मज़ा आता है। और सिटिंग पोस्चर, जैसा कि मैंने ऑलरेडी चेंज करवाई हुई है, बट ये ओरिजिनल जो आता है वो भी बहुत अच्छा सिटिंग पोस्चर है। बाकी पॉजिटिव अच्छे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। पहले जो बाइक्स आती थी उसमें जो हेडलाइट होती थी थोड़ी डिम होती थी, अब जो आती है वो थोड़ी ज़्यादा है। अभी आप देखोगे तो मैंने नाइट आई की LED हेडलाइट लगाई हुई है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। और मैंने दो मंगाई थी, मैंने एक गिव अवे भी किया था, आपको वीडियो भी पसंद आएगी। उसके बाद हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, हॉर्न, इसका हॉर्न बेशक सिंगल है लेकिन इसके हॉर्न जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी, अगर यार रिक्वेस्ट है, अगर डबल हॉर्न दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलो कोई नहीं, सिंगल भी इसका काफ़ी अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी जो रॉयल लुक है, जो यहाँ पे लोगो है रॉयल एनफील्ड, तो वो लिटरली रॉयल एनफील्ड है। तो चलते हुए अगर साउंड इतनी ज़बरदस्त है तो सारे एक बार देखते हैं कि कौन सी है। जैसे कि तीन बाइक्स आती हैं रॉयल एनफील्ड में, क्लासिक, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा, तो तीनों के साउंड एक नंबर है, एक ज़बरदस्त साउंड है। ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ये सारे हो गए। और इसकी साउंड का मैंने बता दिया आपको, रॉयल चलती है, रॉयल लुक में है और कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, राइट। और एवरेज का काउंट करें तो हम, मैंने जो अभी इसको सिटी के अंदर टेस्ट किया था, एक एवरेज टेस्ट किया था, उसमें मेरी एवरेज दी थी 35 से ज़्यादा, मतलब कि 350 cc की बाइक अगर 35 किलोमीटर से ज़्यादा की एवरेज दे रही है तो ज़बरदस्त है। और मैंने नहीं देखे कि कोई भी 350 से ज़्यादा की बाइक इतनी एवरेज दे सके। तो ये होगी ओवरऑल प्रोज की बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स,
नेगेटिव पॉइंट वैसे तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है कि जो इसमें मैं पॉजिटिव में भी काउंट कर सकता हूँ उसको नेगेटिव में भी काउंट कर सकता हूँ। जैसा मैंने आपको भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें प्लास्टिक ना होने की वजह से बाइक काफ़ी हैवी रहती है, लेकिन प्लास्टिक ना होने की वजह से कई जगह पे जहाँ जैसे ये पॉइंट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये पॉइंट्स हो गए, यहाँ हो गया, यहाँ पे बारिश के अंदर पानी रुकता है लेकिन निकलता नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे जंग बहुत जल्दी लगता है। सेकंड, आपके जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी प्लास्टिक के नहीं है, तो यहाँ पे ये वैसे क्रोम पार्ट है तो यहाँ पे भी जंग बहुत जल्दी लगता है। इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी अलग से, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप इसकी जो शाइनिंग है वो इसको कंटिन्यू रख सकते हो। नेगेटिव पॉइंट में टायर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 170,000 के अंदर कंपनी ट्यूबलेस टायर नहीं देती तो वर्थ नहीं है, एटलीस्ट इस चीज़ के लिए उनको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करने चाहिए। ओवरऑल और कई चीज़ों के बारे में बात करें तो इधर जंग जो उनसा है, जंग खाती है जो उनसा, उसमें ये चीज़ के ऊपर सबसे जल्दी जंग लगता है, तो कंपनी को या तो इसके जंग के लिए कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे या कुछ ऐसा दे, नहीं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक और चीज़ जो स्पेशली मैट कलर के अंदर आती है, मैट कलर जो उनसे है उसमें इस तरह से ये उतरता है, राइट। मैंने कंपनी को एक कंप्लेंट भी करी थी, कंपनी कहती है कि अगर आपकी टैंकी में एक भी स्क्रैच है जो आपकी गलती से लगा है तो आपकी पूरी टैंकी का कुछ नहीं हम रिप्लेस करेंगे, हम कोई आपकी वारंटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, अगर आप इस चीज़ पे आप मैट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके साथ उसके जो सेफ्टी फीचर्स, क्योंकि इसके लिए ना इनकी कोई पॉलिश आती है, ना कोई वॉशिंग टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल बस चल जाए ठीक है, नहीं तो जाने दो। आपने अभी देख लिया, मैंने बाइक का ओवरव्यू एक बार आपको अच्छे से दे दिया, बाइक एक नंबर है। सो फटाफट से एक बार हम इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं, आओ मैं आपको एक बार सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। है वाल छोटी सी राइड पे निकले हुए हैं, अभी बाइक एक साल बाद का जो रिव्यू चल रहा है, बाइक पे वाइब्रेशन है थोड़ी बहुत, जो हैंडल भी वाइब्रेट होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया नहीं था कि इसके कॉन्स में कि हैंडल वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगाई हुई है, वाइब्रेशन रॉड से क्या है कि इसके जो हैंडल की वाइब्रेशन है वो कुछ परसेंट तक कम हो जाती है। ओवरऑल बाइक बहुत मज़ेदार है, बाइक से ज़्यादा मज़ेदार तो आज का मौसम है, ये देखो। सो फाइनली आपने फ्रेंड्स देखा कि बुलेट का ओवरव्यू आफ्टर 1 ईयर, बट डिसीजन स्टिल आपका है कि वो आपको परचेज करनी है या नहीं करनी। सो वीडियो को पूरा देखना, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो बढ़िया सा, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद।